Hello everyone, my name is Sayyed Ashar and welcome back to my channel. आज के इस सेशन में, इस क्लास में हम लोग लहंगे का पैनल बनाना सीखेंगे. लहंगे का पैनल मतलब ये. ओके, इसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके एक लहंगा क्रिएट करते हैं. तो इसके लिए दो मेजरमेंट की ज़रूरत है हम लोगों को. एक है वेस्ट की, जो कि हो गया, मान लेते हैं 24 इंचेस, और दूसरा है हमारे पास लेंथ, और ये हम लोगों का जनरली 45 to 50 इंचेस होता है. बट हमारे पास जितना पेपर है हम उसी में बनाएंगे. लेंथ आप जब चाहिए अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करने की है, वो है ये ऊपर वाला पार्ट वेस्ट का. नो, अगर वेस्ट 24 इंच है, ओके, तो इसको सिंपली हमको डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ कली आप बनाना चाहते हैं. ठीक है, सपोज 24 है तो हम इसको मान लेते हैं कि हम 12 कली बनाएंगे, 6 आगे और 6 पीछे, 12. तो 12 × 2 = 24. सिंपल मैथमेटिक्स. जितना आपका वेस्ट है उसको आप जितना कली बनाना चाहते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए. जो भी आएगा वही आपका वेस्ट का, एक कली के वेस्ट का मेजरमेंट होगा. सिंपल. तो इन दिस केस मेरा कमर, मेरे क्लाइंट का कमर 24 इंच है और क्लाइंट को 12 कली चाहिए, तो 24 को 12 से डिवाइड कर दिया तो एक कली का जो कमर आएगा, एक कली का जो वेस्ट मेजरमेंट आएगा वो आएगा 2 इंच. सिंपल. तो हम लोग शुरू करते हैं. अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा पैटर्न पेपर डबल फोल्डेड है. ओके, डबल फोल्डेड है मतलब 2 इंच को हम लोग आधा कर देंगे, यानी कि अब हम 1 इंच पे काम करेंगे. तो यहाँ पर चूँकि जैसे ही अगर 1 इंच मार्क करेंगे तो ये खुल के डबल अपने आप 2 इंच हो जाएगा. सिंपल है. तो सबसे पहला मेजरमेंट जो हम लोगों को मार्क करना है वो है यहाँ पर ऊपर की तरफ 1/2 इंच. नौ, लहंगे की कली चूँकि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है, मल्टीपल टाइम्स कट होती है, एक कली आपका 12 बार कट होगी, तो इसीलिए इसमें सारा स्टिचिंग अलाउंस पहले से ही हम लोग अटैच करके, मार्क करके ही कट करते हैं. ओके, सो हमने ये 1/2 इंच यहाँ से ड्रॉप किया है, ये है आपका स्टिचिंग अलाउंस. ओके, अब इस 1/2 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे 1 इंच, जो कि इस 2 का आधा है, 1 इंच. ओके, जो हम लोग का कमर आया था. इसके बाद हम लोग फर्दर यहाँ पर 1/2 इंच और मार्क करेंगे साइड का सीम अलाउंस, स्टिचिंग अलाउंस. अब इसके बाद आपको लहंगे की लेंथ मार्क करनी है यहाँ से, इस लाइन से. तो हमारे पास पेपर लगभग आपका 26 इंचेस है, मतलब 27 इंचेस है, बट हम 26 इंचेस मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच और हम लोगों को नीचे के हेम के लिए भी चाहिए, फोल्डिंग के लिए, वो भी पैटर्न में ही मार्क करना है. जनरली 45 to 50 इंचेस का बनता है, तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जो आपका पेपर बड़ा होगा आप उसी हिसाब से मार्क कीजिएगा. तो हमने इसको 26 इंचेस पर मार्क कर दिया है और यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वायर आउट कर देंगे. ओके, ये हमारा कमर हो गया ऊपर का हिस्सा और ये हमारा हेम हो गया नीचे का हिस्सा. फर्दर हम लोगों को 1 इंच और मार्क करना है, वो है हमारा स्टिच हेम फोल्ड. ओके, जो नीचे हम लोग हेम फोल्ड करेंगे, तो हमने उसको 1 इंच और मार्क कर दिया है. ओके, अब हम लोगों को हेम स्वीप या हेम का जो एरिया है, जो जितनी चौड़ाई होगी एक कली के हेम की, उसको हम लोगों को मार्क करना है. तो जितना ज़्यादा बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा फ्लाउंस आएगा, उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. जितना कम रखेंगे उतना कम फ्लाउंस आएगा, उतना स्ट्रेट सिल्वेट रहेगा. आपकी मर्ज़ी, आप कितना रखना चाहते हैं. जनरली हम लगभग 18 और 16 इस तरीके से रखते हैं, तो उसी को हम लोग मेंटेन रखते हैं. सपोज़ चूँकि हम लोग का पैटर्न पेपर छोटा है तो हम 12 इंच रख रहे हैं. ओके, तो हमने 1/2 यहाँ पर मार्क किया है, 6 इंच, खुल के 12 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंच स्टिचिंग अलाउंस. सिंपल. और अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोगों को मिला देना है स्ट्रेट लाइन से. ओके,
यस। सो ये एक सिंपल सा कली बना है, अब इसकी शेपिंग प्रोवाइड करनी है हम लोगों को। शेपिंग पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। अगर कली का शेप बिल्कुल ऐसा है, ए के जैसा, लाइक दिस, तो जो लहंगा बनेगा, बन के जो इसका लुक आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ओके, लाइक दिस। अगर कली का शेप ऐसा है, थोड़ी ज़्यादा हमने शेप कर दिया, ठीक है, ऊपर से पतला नीचे से फ्लाउंस, तो जो लहंगे का शेप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन द लुक यू वांट, यू हैव टू शेप इट अराउंड द हिप पोर्शन। यहां से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे 8 इंच, क्योंकि कमर से 8 इंच नीचे हिप होता है, और यहां पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पर हम लोग लगभग 5 ब्लॉक्स अंदर चले जाएंगे, ओके, ये 5 ब्लॉक्स हम लोग चले गए, और हिप कर्व से अब इसको ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। ध्यान से इसको समझना है, ओके, पूरा इसको अच्छे से, मतलब एक बार हमने नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फैब्रिक ट्रिम हो जा रहा था। दिस इज नाइस नाउ, और अब इसको स्केल से तो इसकी शेपिंग थोड़ी सी टेक्निकल है और हल्के से गलत शेप से लुक में फर्क आ जाता है। सो दिस इज इट, दिस इज इट, ये हमारा अब जो ये शेप आया है ये इस तरह के लहंगे का आया है, और यही हमारा क्लासिक है, यही हमारा चलता है आजकल मार्केट में, ओके। ये पोर्शन काम का नहीं है, ये पोर्शन हट जाएगा। यहाँ से इधर हम लोगों का 1/2 इंच अलाउंस ऑलरेडी एडेड है, इसका ध्यान रखना है, और ये हम लोगों का अंदर का लहंगे का पार्ट है, बाकी जो सिलाई हो जाएगी। ये कन हो गया, अब यहाँ से हम लोगों को ऑन द हेम हाई वी हैव टू गो अप बाय ऑलमोस्ट 6 ब्लॉक्स, ओके, 6 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, और इस तरीके से इसको ब्लेंड करना है, ओके, और इसको कट कर देना। सो नाउ वी कैन ओपन आवर पैनल, हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक लहंगे का पैनल का लुक आ गया है इसमें, और इसमें मार्किंग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, आप चाहिए तो इसको मार्क कर दीजिए। इधर 1/2 इंच है, साइड सीम पर भी 1/2 इंच, नॉट साइड सीम, साइड्स पर 1/2 इंच, इधर 1/2 इंच, और नीचे की तरफ है आपका 1 इंच, 1 इंच हेम फोल्ड रखा हमने। इसकी ग्रेन लाइन बिल्कुल सेंटर फ्लो फोल्ड के पैरेलल होगी इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा कट 12, 6 आगे और 6 पीछे, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ वी कट लहंगा पैटर्न, लहंगा पैनल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।